तो यहाँ पे एक इन्वर्टर है और इसकी जो है पी जीरो का एरर आ रहा है, तो अभी देखते हैं पी जीरो का एरर इसमें आता है। तो यहाँ पे एरर आ चुका है पी जीरो का, या पी ओ जो भी आप समझते हो। तो ये एरर आईपीएम का फेलियर बताता है कि जो आईपीएम है इसके अंदर प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम आईपीएम के जो वोल्टेज होते हैं उन्हें देखेंगे, और ये बार बार होता रहेगा। अभी पी जीरो कुछ देर तक रुकेगा स्क्रीन पे, फिर वापस चला जाएगा। तो सबसे पहले हम इसे ओपन कर लेते हैं पीसीबी को, और फिर इसका वोल्टेज वगैरह चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम एफ वोल्टेज को चेक करेंगे, तो उस हिसाब से मैं पहले इसे ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि ओपन तो करना ही पड़ेगा। आईपीएम की शॉर्टिंग चेक कर लेंगे। तो जैसा कि चेक करते हैं तो ये आईपीएम का है, तो ये बराबर है। अब हमें इसका एफ वोल्टेज जो होता है उसे चेक करना पड़ेगा। तो मैं डिजिटल मीटर को लगा लेता हूँ और पावर ऑन कर लेता हूँ। तो पावर ऑन करते ही इसमें जो है आपकी ये लाइट ब्लिंक करने लगेगी, ठीक है। तो अब एफ वोल्टेज देख लेते हैं। एफ वोल्टेज इसमें जो होता है ये नीचे से दूसरी पिन है, तो हम ग्राउंड पे पिन रखते हैं और एफ वोल्टेज को देखेंगे कि है कि नहीं। तो यहाँ पे नहीं है, ये एफ वोल्टेज इसमें फेल है, और बाकी वोल्टेज है कि नहीं है तो वो देख लेते हैं। तो 14 वोल्ट यानी 15 वोल्ट भी है, एफ वोल्टेज नहीं है। तो एफ वोल्टेज के लिए हमें हीटसिंक को खोलना पड़ेगा, और यह जो है माइक्रो कंट्रोलर पे जो 5 वोल्ट की सप्लाई होती है, 5 वोल्ट से ये 10 की रजिस्टर से पुलअप की रही होती है। तो ये देखेंगे बनावट तो रहेगी, ये सब एक नॉर्मल प्रोसेस है। जैसे कि कंपनी अपना अपना जो आईपीएम बनाती है तो उसके हिसाब से दे रखती है। आप लोग अगर उसको देखेंगे तो पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। और ये कंपनी किस कंपनी का बोले तो ये सिस्टम है या पीसीबी है, ये कहना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि ये पीसीबी जो है वर्लपूल में भी मैं देखा हूँ, कैरियर में भी लगता है, मीडिया में भी आता है, और ये कोई नया नाम है इसका हिस्टोरिक कुछ करके है, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबका एक ही है। तो है ऐसे, चलिए मैं खोल लेता हूँ, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तब तक मैं रोकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पैकेज रेजिस्टेंस जो है निकाल दिया है। दूसरा चीज, इस पैकेज रेजिस्टेंस जो होती है 100 ओम की रजिस्टर होती है। अब अगर जो इसके बदले में दूसरा लगाना चाहे तो 100 ओम की रजिस्टेंस लगानी पड़ेगी ऐसे, लेकिन इतने छोटे स्थान पे यानी इतने छोटे स्थान में ये जो टॉप बनता है, 4 रजिस्टेंस नहीं लगा सकते ना, इसीलिए पैकेज रजिस्टर इस्तेमाल होता है छोटे में। तो 2 नंबर से ये 2 नंबर की पिन है, तो 2 नंबर के पिन से ये यहाँ पे जो दूसरी नंबर की पिन है यही वाली है इसका। तो अब देखेंगे तो यहाँ पे बराबर है, और इस तरफ तो वोल्टेज देख लेते हैं, इसका वोल्टेज अभी सही हो गया कि हमारी पुलअप की रजिस्टर ख़राब है। पुलअप की रजिस्टर यहाँ पे होती है, यहाँ पे ये देखेंगे तो यहाँ पे आई है ये, तो इसके ऊपर गम लगा हुआ है, तो इसे खोदना भी अच्छा नहीं है। अगर जो ख़राब रहता तो हमें उसे खोदने की ज़रूरत है। तो 5 वोल्ट से पुल अप है, तो यहाँ पे वोल्टेज अब भी हो जाना चाहिए। तो देख लेते हैं, तो यहाँ पे 5 वोल्ट आ गया। तो अब हमारी जो 2 चीज़ हो सकती है कि या तो हमारा आईपीएम ख़राब होगा या फिर हमारी रजिस्टर
करके शॉर्ट हो गई होगी या तो ओपन हो गई होगी। तो हम दूसरा एक रजिस्टर लेते हैं, देखते हैं किसी पीसीबी से। तो थोड़ा मैं रुकता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक 100 ओम की देख रहे हैं, 101 एक दूसरा पैकेज रजिस्टर निकाला और इसे मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। और इसके लिए मुझे छोटे आयरन की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं उसे स्टार्ट कर लेता हूँ क्योंकि इसे भी थोड़ा टाइम लगेगा। यही मेरा टेबल है जिसमें कि सब काम करना होता है। आपको पता है कि मैं और वाशिंग मशीन तक अभी आ जाएगी तो पूरा हो। अभी देख रहे हैं यहाँ पे पाउडर है, ठीक है। बहुत से लोग पूछते हैं कि उसका इलाज क्या है जो कचरा निकलता है, गम निकलता है पीसीबी का। तो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मैं तो ज़्यादा दिन से इस काम में हूँ नहीं, तो उसको नहीं बता पाऊँगा कि किस चीज़ से होगा। तो कभी पाउडर मार लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं। तो आपको भी वैसे ही करना होगा, जो अच्छा लगेगा आपको अपने हिसाब से करिए। हाँ, हाथ में लग जाता है तो साफ़ करने के लिए थिनर का इस्तेमाल करते हैं तो हाथ क्लीन होता है, नहीं तो साबुन से तो ये धुलता भी नहीं है। अभी कुछ देर पहले कर रहे थे वाशिंग मशीन का पीसीबी का, तो कुछ गम लगा है, ज़्यादा नहीं। एक्चुअली वो तो सूखा था, फ्रंट लोड की थी तो उसमें सूखा था, लेकिन असली मज़ा आता है इस रिपेयरिंग में। और इस रिपेयरिंग को मैं ज़्यादा, मेरे समझ से इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है, तो क्योंकि इसमें आसानी से आप देख सकते हैं। फ़र्क इतना ही पड़ता है कि डबल ट्रैक पड़ती है तो कुछ समय आपको देखना पड़ेगा उसको कि कहाँ से किस तरह से ये घूमते घूमते ये सब पास हुआ है। जैसे ये वाला है कर बना हुआ, आप देख रहे हैं ये डिटेक्ट करने के लिए, तो ये सब आपको देखना पड़ेगा थोड़ा। और एक बार एक पीसीबी में देख लेंगे तो हो गया। और एक तरह से देखा जाए तो डायग्राम याद रखना और खुद सर्च कर लेना, दोनों में फ़र्क है। अगर खुद सर्च किए रहेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं, इतनी तो गारंटी है। लेकिन रटी रटाई बात रहेगी तो कुछ समय के बाद आप भूल जाओगे। डायग्राम का सहारा हर हमेशा लेना पड़ेगा। तो चलिए मैं पहले इसे लगा लेता हूँ, ठीक है। लगाने के बाद फिर मैं वो करता हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा समय लगेगा।
तो अब इसको जो है वोल्टेज आ जाना चाहिए अगर आईपीएम में खराबी नहीं रही तो। ठीक है, तो देखते हैं इसका कनेक्शन लगा करके। तो अभी आप देख रहे हैं कि वोल्टेज परफेक्ट हो गया, तो मैं कनेक्शन कर लेता हूं और कोशिश रहेगी कि मैं इसको पैक ही कर लेता हूं क्योंकि आईपीएम हीट होने की संभावना रहेगी। तो निकालते समय ये पिन टूट गई, इसकी पिन बोले तो नट जो होता है वो बहुत मजबूती के साथ इसके साथ में चिपका हुआ था। दूसरा, इसे इस्तेमाल बिल्कुल करना ज़रूरी है, आपको इसे, क्योंकि ये इसकी आईपीएम को या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक जहाँ पे हीट सिंक का इस्तेमाल हुआ है वहाँ पे इसे लगा देना अच्छा रहता है क्योंकि हीट अब्जर्व कर लेता है ये। तो लेड होता है ना, हीट को अपने अंदर चलिए मैं कस लेता हूँ, इसके बाद डायरेक्ट इसका कनेक्शन करके ही चालू करेंगे। खांसी है कि जाती ही नहीं। चलिए कनेक्शन भी कर लेते हैं, इसे तो कैसे भी आप लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैसे भी मतलब RYB या BY UVW या WUB कुछ भी आप करिए चलेगा, वैसे ही बहुत होगा उल्टा चलेगा, तड़ तड़ की आवाज़ आएगी, कंप्रेसर का साइड अगर उल्टा रहेगा तो सीधा कर लेंगे। चलिए मैं हाथ में ले लेता हूँ फिर देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंप्रेसर तो चालू हुआ लेकिन वो उल्टा है, साथ में सीरीज में है, तो यहाँ पे एक एरर आएगा P1 का, आप समझ गए होंगे। ये DC जब कम पड़ती है ना कैपेसिटर पे, DC वोल्टेज कम रहता है उस समय P1 का एरर आता है। P1 का एरर, DC वोल्टेज या DC लिंक नहीं मिलेगा तो उस समय इस PCB में आता है। तो चलिए मैं इसे पहले चेंज कर लेता हूँ और कंप्रेसर को डायरेक्ट कर देता हूँ यानी PCB को डायरेक्ट लगा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने दो वायर आपस में बदल दिया कंप्रेसर का और कंप्रेसर को डायरेक्ट में कर दिया हूँ यानी स्विच सीरीज से हटा दिया हूँ। अब हमें एम्पेयर में देखना होगा जब भी स्टार्ट होगा तो, और इस समय कोई एरर नहीं आना चाहिए। अब एरर आएगा तो वो आएगा कूलिंग का यानी बहुत देर बाद आएगा, जो कि ये 3 सेंसरों की वजह से होगा, तो सिस्टम में लगा होना चाहिए। तो तब तक तो हम चेक कर चुके हैं, जो मेन प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है, देखते हैं क्या होता है। तो अभी ये कंप्रेसर चालू हो चुका है और एम्पेयर भी कोई ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।